Okay, let's start the class. So today we'll start with the function. Okay, start with the function and we'll do some question answers. So a quick, मैं आप लोगों को हल्का सा बता दूं function क्या है, एक बार फिर बता दूं कि function क्या होता है। एक ऐसा program का sub part होता है, ठीक है, जो हम लोग उसको, अगर हमें बहुत लंबा program लिखना होता है तो अगर और कोई दो तीन लाइन के कोड्स बार बार एग्जीक्यूट करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसको एज अ फंक्शन हम लोग बार बार कॉल करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि def है, एक सेकंड, जैसे def है और हमने लिखा mul और हमने लिखा ab और यहाँ हमने क्या किया, हमने लिखा c इज इक्वल टू a क्रॉस b और फिर रिटर्न c, ये हमने किया। उसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, ऐसे मैंने लिख दिया हेलो, और फिर हमने लिखा x की वैल्यू int इनपुट एंटर वैल्यू 1 और फिर y लिखा int इनपुट एंटर वैल टू। उसके बाद हमने, ठीक है, यहाँ z लिख दिया mu, आपका mul और xy, फिर हमने प्रिंट किया, ओके, और प्रिंट किया z, फिर हमने दे दिया c नहीं, मान लो कोई भी ले लो, चलो e ले लो, e इज इक्वल टू 4, ठीक है, और f इज इक्वल टू 5, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ जो स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, g इज इक्वल टू हमने लिखा mul ef और फिर g हमने किया। तो देखिए हम लोग इस, आपका जो है प्रोग्राम, आपका यहाँ मेन जो स्टार्ट होता है, मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, वो आपका यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग दो बार बच्चों एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई है वो दो बार एग्जीक्यूट करा रहे हैं, एक बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करा रहे हैं और एक बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ सॉरी यहाँ एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो बार बार सी इक्वल टू ए इन टू बी करने की जगह हमने क्या किया, एक फंक्शन के फॉर्म में हमने इसको क्रिएट किया और बार बार उस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। ये है फंक्शन डेफिनेशन, आप लोग अपना म्यूट कर लो, जब क्वेश्चन पूछना रहे तब अनम्यूट करिए। फंक्शन डेफिनेशन और ये जो है आपका फंक्शन कॉल है और ये भी आपका फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एक फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। नाउ लेट स्टार्ट विद द एग्जांपल, लेट डू सम प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, धीरज बेटा अपना म्यूट कर लीजिए आप वॉइस। तो ये दिया हुआ है def is equal to, क्वेश्चन क्या है कि ट्रेस द फॉलोइंग कोड एंड प्रिडिक्ट आउटपुट प्रोड्यूस बाय इट। अगर बोल रहा है ट्रेस द फॉलोइंग कोड तो इसका मतलब ये बता रहा है, ये लाइन नंबर दिया हुआ है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा ये लाइन नंबर है, ठीक है, यस सर, कि कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, किस सिक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, ये आपसे पूछ रहा है, और इसका आउटपुट क्या होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके, तो पहले करते हैं कि def पावर बीपी, उसके बाद y इक्वल टू बीपी। देखिए स्टार्ट आपका होगा यहां से होगा, तो आएगा जब देख लेगा कि एक फंक्शन डिफाइन है तो पहला वाला जो लाइन है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, मतलब वो रीड करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये जान जाएगा कि फंक्शन है def का, मतलब वो समझ जाएगा कि फंक्शन है, तो फिर अंदर नहीं जाएगा, फिर वो अब आएगा 2 3 4 पे नहीं जाएगा, वो आएगा फिफ्थ लाइन पे जब आएगा तो देखेगा कि यहाँ पे भी एक और फंक्शन है, तो ठीक है, तो 6 7 8 वहां तक नहीं जाएगा, फिर आएगा आपका 9 पे आपका मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम यहां से शुरू होगा, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है,
इसको ऐसे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये जो आपका है मेन सेगमेंट है, फ्रॉम हियर दिस इज मेन सेगमेंट, तो 9th एग्जीक्यूट होगा, म्यूट कर लीजिए भाई जिसका आवाज पीछे बैकग्राउंड से आवाज, धीरज म्यूट कर लो बाबू, मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूँ, चलिए हो सकता है आप म्यूट कर देना। फिर 9th वाला लाइन आपका बेटा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो है लाइन नंबर 10 आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लाइन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या फंक्शन कॉल है लाइन नंबर 10 पे? यस सर, यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल है कैल्क स्क्वायर और पावर फंक्शन है, तो पहले ठीक है कैल्क स्क्वायर और पावर फंक्शन, तो पहला फंक्शन कैल्क स्क्वायर है, तो फिर ये घूम के इस पे जाएगा, यानी 10 के बाद जो एग्जीक्यूट करेगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा फिफ्थ लाइन पे आ जाएगा, फिफ्थ लाइन आपका एग्जीक्यूट कर चुका है, दोबारा एग्जीक्यूट करेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि इस फंक्शन के इस फंक्शन पे गया, ठीक है वैल्यू पास किया फिफ्थ में, एन की वैल्यू पास क्या किया, एन की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और यहाँ पे फिर 6th एग्जीक्यूट होगा, तो ए की जो वैल्यू रहेगी वो पावर एक्स के पावर 2 यानी 5 के पावर 2 यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 25 होगा, ये मैं लाइन नंबर लिख रहा हूँ कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, 6 होगा, उसके बाद पावर फंक्शन है, फिर ये पावर पावर फिर घूम पे जाएगा, हाँ ये पावर फंक्शन है, सॉरी 6th लाइन पे आया, फिर पावर फंक्शन है, यहां से फिर ये इस पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, ठीक है 6th के बाद 1 पे जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 6th के बाद 1 पे जाएगा पावर बीपी, तो बी की वैल्यू क्या होगी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो बी की वैल्यू भी आपकी 5 पास हुई, और पी की वैल्यू क्या पास हुई 2, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए 2 है, ओके। और इसके बाद जो है फिर आपका 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद आपका फिर आपका 2 एग्जीक्यूट करेगा, 2 एग्जीक्यूट करेगा, वाई इज इक्वल टू बी इंटू पी, बी के पावर टी यानी वाई की वैल्यू आ जाएगी 25, वाई की वैल्यू आ जाएगी 25, ये रिटर्न क्या करेगा 25 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 2 के बाद 3 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये रिटर्न यहां पे करेगा वापस 6th लाइन पे आएगा, 6th लाइन पे आने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 25 हो जाएगी, और उसके बाद फिर 7th लाइन एग्जीक्यूट करेगा, 7th लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ठीक है फिर आपका 10 पे आ जाएगा, क्योंकि 10 पे आ जाएगा, तो फिर वो 10 पे गया, 10 पे आने के बाद कैल स्क्वायर वैल्यू आपका क्या रिटर्न कर रहा है 25, आपका रिटर्न कर रहा है 25, ठीक है कैल स्क्वायर तो 25 रिटर्न कर रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे पावर 3 पास हो रहा है, तो फिर 10 के बाद फिर आपका 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर इस पे चला जाएगा, फिर इस पे चला जाएगा 10 के बाद फिर 1 पे गया, इस बार b की वैल्यू क्या है आपकी 3 और b की वैल्यू भी 3, तो 3 के पावर 3 क्या होता है 27 होता है, यानी 1 एग्जीक्यूट किया, 2 एग्जीक्यूट किया, 3 एग्जीक्यूट किया, और इस बार फिर ये लॉट के जो y रिटर्न कर रहा है वो किसको रिटर्न कर रहा है, वो लाइन नंबर 10 पे आ रहा है, लाइन नंबर 10 पे आ रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 27 और इसकी वैल्यू आ गई 25 हो गई, फिर यहाँ पे 10 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 11 एग्जीक्यूट हुआ, फाइनल आंसर आपका आ गया 52, समझ में आ गया, जस्ट होल्ड अ सेकेंड ये आपको समझ में आया 52 कैसे आया है? यस सर घुमाऊदार था ना, चलो तो इसको क्या एग्जीक्यूट करूं, इसको एग्जीक्यूट करके देखा जाए 52 आ रहा है कि नहीं। यस सर, चलिए
आधे बच्चे से ज्यादा करीब 20 बच्चे अभी भी क्लास में नहीं आ रहे हैं, सब जिंदगी का मजा ले रहे हैं। चलो रिवीजन करने को कहेंगे तो ये वीडियो भेज दूंगा मैं, देख लो अपना। DEFTOWER B, P कॉलन y इज इक्वल टू BP, इसके बाद रिटर्न y, फिर एक स्पेस, फिर DEF ELCSEUA स्क्वायर, फिर x, फिर हमने लिखा a इज इक्वल टू POWER पावर x कॉमा 2 रिटर्न a, रिटर्न इज इक्वल टू 5 रिजल्ट इज इक्वल टू कैल्क स्क्वायर n प्लस और क्या है पावर 3.3 प्रिंट RESULT रिजल्ट। ठीक है, ये हमने सेव किया EX98 के नाम से। अरे EPY क्या आ गया, F5 करो, 52 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का एक प्रोग्राम सही था। यस सर। उसके बाद अगेन ट्रेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसको भी आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकंड, होल्ड कीजिए। आ गया, ओके सो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है तो आपका पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, मैं लाइन यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आवाज आ रही है? आप तो लोग बुक ले लिए हैं अभी? चलो कोई नहीं लिया तो ये बुक, ये मैं ये आप लोग को जो पीडीएफ वो सेंड कर दूंगा, एक कंटेंट से देख लो। थैंक यू, थैंक यू। लाइन नंबर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 1 आपका एग्जीक्यूट होने के बाद जा जाएगा फंक्शन है, फिर लाइन नंबर 2, 3, 4 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट करने के बाद जान जाएगा कि फंक्शन है, तो 6, 7, 8 एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगा तो उसमें क्या है, एन की वैल्यू 5 है, फिर उसके बाद 10 एग्जीक्यूट होगा, 10 वैल्यू 10 एग्जीक्यूट होगा तो लिखा है कैल्क स्क्वायर ब्रैकेट में एन। अब यहां पे दो चीज जान लो, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और इन दोनों को बोल रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर। यस, जो बोल रहा था सही बोल रहा था, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक चीज और, अगर हम जैसे टेंथ पे इसको क्या कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, तो अगर यहां पे ब्रैकेट में सिंगल पैरामीटर एक्चुअल है और यहां पे अगर हम लोग लिख देते ए कॉमा बी लिख देते तो एरर थ्रू कर देता। अगर एक्चुअल पैरामीटर एक पास हो रहा है तो फॉर्मल पैरामीटर भी सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, यस सर, ऐसा नहीं होगा कि यहां से 6 पास हो रहा है और यहां पे जाने के बाद 3-3 हो जाएगा। जरासंध की कहानी सुने होगी? नहीं, नहीं सर।
अरे महाभारत नहीं देखे हो? देखे राजा रहता है, उसके जो पिताजी रहते हैं उनको बेटा नहीं होता रहता है, तो वो जाते हैं मतलब कोई ऋषि मुनि रहते हैं, तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि लो एक एप्पल दे देना अपने रानियों को, दे देना एप्पल या आम, ऐसे कुछ सेब या आम दे देते हैं। अब उस आम को दो टुकड़े में काट के दोनों आम होता है सर, और दोनों मतलब फिर क्या होता है हाफ हाफ बच्चे मतलब वहां पे बर्थ होता है। तो यही सब एक उसका वो भी है, जाके अपना देख लेना ये सब अपना मिथोलॉजी तो तुमको पता ही होना चाहिए जो तुमको तुम्हारे सब है। यस चलो बहुत होगी पुरानी बातें। 10 नंबर एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं कैल्क स्क्वायर, ये आपका घूम के गया वापस यहाँ पे, और फिर कैल्क स्क्वायर में यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 5। इसके बाद अंदर आया पावर एक, ये तो वही फंक्शन यही प्रोग्राम लग रहा है नहीं, अच्छा इसमें एक हटा दिया यहाँ उसी पावर हटा दिया ये नहीं, यहाँ पे जो प्लस करके था वो हटा दिया। फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, बी की दो, यहाँ पे ये आपका अच्छा। अगर एक चीज और बता दे रहा हूं, अभी एक चीज और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अगर पूरे संदर्भ में बात करें तो ये तुम्हारा एक्चुअल है और ये तुम्हारा फॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों फंक्शन की बात करें तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पे ये एक्चुअल है, एक्चुअल है ऊपर फॉर्मल, और यहाँ पे ये फॉर्मल है, देने वाला एक्चुअल लेने वाला फॉर्मल। तो अब ये फिर यहाँ जो है 10 क्या कहाँ क्या हम लोग 10 पे थे, 10 के बाद फिर आपका गया 5 पे, गया 5 पे जाने के बाद फिर आपकी वैल्यू पास हो गई, वेरी गुड। फिर 6 पे आया, 6 पे जाने के बाद ये भैया फिर यहाँ पे गए, घूम के जाने के बाद बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 5 और पी की वैल्यू 2, तो 6 के बाद 1 हुआ और यहाँ क्या है 5 के पावर 2 यानी 25, तो 3 आपका क्या रिटर्न कर रहा है 25 किसको रिटर्न कर रहा है, यहां पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फिर ए, फिर आ गया आपका 6, अरे ये 1 की सॉरी ये 3 कैसे हो गया, रुक जाओ 13 तो है नहीं, कोई लाइन इरेजर है क्या ये, इसको मैं काट दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, हैंग क्यों हो रहा है, रुक जाओ ये वाला पीडीएफ राइटर ठीक नहीं है, इसको हटा दो। 3 है, 3 के बाद 6 चला, 6 के बाद आपका फिर 7 चला, अभी क्या वैल्यू रिटर्न हुई है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। 7 चलने के बाद आपका क्या हुआ, फिर ये भैया घूम के इधर आ गए और यहाँ पे बोले कि रिजल्ट की वैल्यू जो है आपकी, ये रिटर्न क्या कर रहा है 25 रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। और उसके बाद 7 के बाद फिर 10 चला, 10 के बाद फिर आपका 11 चलेगा और लास्ट में आपका रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा 25, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अरे ये प्रोग्राम सेम है, बस इसमें ये लाइन हटा दो, सेव करो, रन करा दो, लो हो गया, ठीक है। Yes. फिर इसके बाद जो है भी चलो फिर आपका आता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका लाइन एग्जीक्यूट हुआ 1 एग्जीक्यूट होने के बाद आपका 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 आपका कमेंट है, ये कमेंट सेक्शन है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर एग्जीक्यूट होगा 5th आपका एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू है 3, उसके बाद फिर प्रिंट किया एक्स की वैल्यू यानी 6th एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे आपका आउटपुट मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका प्रिंट हुआ 3 प्रिंट हुआ। फिर एग्जीक्यूट हुआ 7 प्रिंट हुआ, तो 7 एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए लाइन नंबर 1 पे गया, ठीक है।
लाइन नंबर वन पे जाने के बाद कौन सी वैल्यू पास कर रहा है, रुक जाओ अभी देखें, देखे कौन कौन आया। अच्छा रुक जाओ पहले ना, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। 15671 क्योंकि इसको जैसे हटाऊंगा स्क्रीनशॉट तो पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, प्रॉब्लम्स के साथ ये। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल पैरामीटर ये है और ये जो है ये फॉर्मल है, एक्चुअल फॉर्मल कॉन्सेप्ट जान के रखो। फिर वन पे गया, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, थ्री हो गई। फिर आया आपका लाइन नंबर टू पे, लाइन नंबर टू पे आया x इक्वल टू x प्लस वन, कितना हो गया x की वैल्यू, फोर। ठीक है, x की वैल्यू फोर हो गई। यस सर, x की वैल्यू फोर हो गई। वन के बाद टू एग्जीक्यूट हुआ, टू के बाद आपका लाइन नंबर एग्जीक्यूट हुआ एट, तो लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन जो क्वेश्चन था आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा, इसको मैं जब आप लोग को कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस कर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्या ये वैल्यू जो यहाँ पे बोल रहा है ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट क्या करेगा। क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू थी आपकी थ्री और फंक्शन में आपकी एक्स की वैल्यू फोर हो गई, तो ये जो एक्स है और ये जो एक्स है, ठीक है, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे जो वैल्यू आई, क्या ये दोनों सेम वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। इस चीज को भी होल्ड करो जब मैं आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ये आंसर आपका आ गया, ये आंसर हो गया। ये आपका आ गया, रुक जाओ मैं इसको एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाता हूं। अरे कैसा ये झुनझुन झुनझुन आवाज आ रहा है, कोई टिकटॉकर आ गया क्या मेरे क्लास में? सर कोई विकास है, विकास क्यों ऐसा कोई आवाज आ रहा है, बहुत दिन बाद आए हो विकास। आवाज गायब हो गई, आजकल क्लास में सब टिकटॉकर घूम रहे हैं, डर के रहना है क्या? देखो, अरे एक चीज आप लोग को दिखा दूं मैं, यहां पे x की वैल्यू चेंज हो गई थी, यहां पे x की वैल्यू 4 हो गई थी, हो गई थी कि नहीं? यस सर, यस सर, यहां पे प्रिंट करने पे 3 समझ में आ रहा है कि भाई x की वैल्यू 3 है, प्रिंट किया 3, उसके बाद ये दोबारा कॉल करके इस पे चला गया, फिर ये प्रिंट x पे 2 है तुम्हारा, यहां पे 3 क्यों यहां प्रिंट किया? क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं हो रहा है ना, यहां पे प्रिंट है ना, कुछ रिटर्न हो रहा है वहां से। जरूरी नहीं कि फंक्शन रिटर्न करे, नहीं सर, मतलब वहां पर अगर प्रिंट करके भी लिखा रहता तो वो मतलब वहां पर एक्स, हाँ, प्रिंट करके लिखा, चलो एक क्वेश्चन कॉपी में लिख लो, प्रिंट करके लिखा होता एक्स के लिए तो ठीक है, एक क्वेश्चन कॉपी में लिख लो क्योंकि इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि जो हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं और ये जो फॉर्मल पैरामीटर है, अगर दोनों में x है तो क्या ये x दोनों सेम वेरिएबल हैं? पहला क्वेश्चन। और अगर सेम वेरिएबल है तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को होल्ड कर दो, इस सवाल का जवाब कल मिलेगा। ठीक है, जब मैं उस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, ये वाला जब क्वेश्चन आंसर वाला क्विज करा लूंगा, क्योंकि
अगला टॉपिक हमारा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स पे है। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, यस सर, यहाँ तक पढ़ लिए थे पास। अब ये पासिंग पैरामीटर्स, ये मतलब हमारा अगला टॉपिक है। पहले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूं, तो ये वाला बी वाला भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं सी वाले पे। सी वाला बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करना होगा। अब ठीक है, अब चलो कहां गया मेरा मार्क, हाँ ये रहा। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन नंबर वन आपका एग्जीक्यूट हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं, लाइन नंबर वन एग्जीक्यूट हुआ। फिर ये फंक्शन है, एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिक्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लाइन नंबर सेवन एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर सेवन एग्जीक्यूट होने के बाद वाई की वैल्यू यहाँ पे थ्री है। फिर लाइन नंबर एट एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर एट आपका क्या है, ठीक है, प्रिंट वाई, तो आपका वाई जो है वैल्यू थ्री प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम आउटपुट लिख रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे लिख रहे हैं, थ्री थ्री प्रिंट कर देगा। उसके बाद नाइन, नाइन आप सेवन के बाद एट प्रिंट हुआ, उसके बाद नाइन प्रिंट हुआ। नाइन में क्या है, फंक्शन है, फंक्शन ये आपका कॉल करेगा, ये ऐसे गया तो नाइन के बाद फिर वन आ गया, वन आ गया। एक्चुअल पैरामीटर कौन है, वाई है कि एक्स है, वाई है, फॉर्मल पैरामीटर एक्स है। तो वाई की वैल्यू जो पास हुई है वो है थ्री, तो एक्स की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी थ्री, एक्स की वैल्यू थ्री हो जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर टू में आया, वन के बाद टू आया, टू में लिखा जेड इक्वल टू 45, जेड की वैल्यू हो गई 45। फिर लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन यानी थ्री प्लस वन फोर, और रिटर्न एक्स यानी एक्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यानी इंक्रीमेंट वाई आपका क्या वैल्यू दे रहा है, फोर दे रहा है। तो ये वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी, वाई की भी यहाँ पे फोर हो जाएगा। अच्छा मैं लाइन नंबर बताना भूल गया, लाइन नंबर वन के बाद टू के बाद थ्री एग्जीक्यूट होगा, फिर फोर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फोर के बाद वापस घूम के आया इसी पे, आया इसी पे आया, तो फिर नाइन एग्जीक्यूट होगा, नाइन के बाद फिर टेन एग्जीक्यूट होगा, तो आपका आप प्रिंट होगा फोर, नाइन के बाद टेन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर जो है आपका इलेवन एग्जीक्यूट होगा, फिर क्यू की वैल्यू 77 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 77 है वो आ जाएगी, प्रिंट क्यू होगा, 11 के बाद 12 प्रिंट होगा, 11 के बाद 12 प्रिंट होगा, मतलब लाइन एग्जीक्यूट होगा, सॉरी प्रिंट बोल रहा हूँ मैं, और आपका प्रिंट क्यू है तो यहाँ पे 77 प्रिंट हो जाएगा। फिर 13 इंक्रीमेंट क्यू डायरेक्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट क्यू हो रहा है डायरेक्ट, तो यानी ये फिर इस पे चला जाएगा, ठीक है, और इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर जो है 77 वो फॉर्मल पैरामीटर को पास हो गया, यानी आपका हो गया x की वैल्यू हो गई इस बार आपकी 77, फिर z की वैल्यू 45, फिर x इक्वल टू x प्लस 1 यानी 78 हो गया, 78 हो गया, रिटर्न x हो गया, तो यानी 12 के बाद फिर 13, 13 के बाद फिर 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर 14 आया, 14 एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट q, Q की वैल्यू क्या आपको रिटर्न हो रही है, कोई वैल्यू नहीं, तो आपका वही प्रिंट हो जाएगा जो वैल्यू पहले थी 77, फिर X वैल्यू प्रिंट होगा और Z वैल्यू प्रिंट होगा, तो X की वैल्यू जो है आपकी लास्ट वैल्यू क्या थी 78, X की वैल्यू 78 और Z आपका प्रिंट हो जाएगा, जो कि आप Z में तो कोई वैल्यू अपडेशन हुआ ही नहीं है, तो 14 के बाद 15 और 16, तो आपका आंसर ये रहा। अगर पूछेंगे कि किस फ्लो में बहेगा, तो ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, यस सर, एग्जीक्यूट कर दूं मैं इसको, 5 मिनट रुकोगे तुम लोग, यस सर, कोई भी सर वहां पे क्यों की दूना पर, अब रुक जा, क्वेश्चन लेने का टाइम नहीं रहा, अब मुझे इसको फट से एग्जीक्यूट कराने दो, ठीक है, क्योंकि 10:45 हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लूंगा मैं, डेफ इज इक्वल टू, अरे डेफ स्पेस इंक्रीमेंट वैल्यू है आपकी x आ गई, फिर हमने किया और यहाँ आपने लिखा z is equal to 45, x is equal to x plus 1, return x, ये आ गया, फिर हमने main लिखा, main का कोई मतलब है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, y is equal to 3,
फिर लिखा प्रिंट वाई, वाई इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, वाई इज इक्वल टू इंक्रीमेंट वाई और प्रिंट आपका वाई, फिर क्यू इज इक्वल टू 77 और उसके बाद प्रिंट क्यू फिर लिखा इंक्रीमेंट ब्रैकेट में क्यू, फिर लिखा प्रिंट एक्स प्रिंट जेड, सेव करके रन करा दो। एक्स इज नॉट डिफाइंड, ये तो पूछ रहे थे। अब इसमें देखो अगला कॉन्सेप्ट, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं आप लोगों को, इसमें स्कोप ऑफ वेरिएबल आता है अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल का एक अगला कॉन्सेप्ट आएगा, अभी पढ़ाऊंगा एक दो दिन में। अब ये एक्स जो डिफाइन किया गया है वो इसी के लिए है, ठीक है, इसी फंक्शन के लिए है, ये लोकल है, एक्स जो है वो लोकल वेरिएबल है। अभी लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया हूं मैं, तो एक्स जो है लोकल वेरिएबल है और हम लोग इसको ग्लोबली प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम लोग अगर यहाँ पे एक्स लिख देते और इसको अपडेट करते तो एक्स की वैल्यू जो आपकी जो 78 थी वो प्रिंट हो जाती है और जेड की वैल्यू 45 हो जाती है। लेकिन ये लोकल वेरिएबल है, ना तो एक्स आपका प्रिंट होगा ना तो जेड प्रिंट होगा, बिकॉज दीज आर लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हो गए, जैसे वाई हो गया ग्लोबल, क्यू होगा ग्लोबल, तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स है। हम लोग इस फंक्शन में, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अभी आप लोग यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, देख लेना। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जब बताऊंगा कि एक वेरिएबल का क्या स्कोप रहता है, तब इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन जो वैल्यू आ रही है अगर एक्स और जेड की, एक्स की वैल्यू 78 है और जेड की वैल्यू 45 है, इंटरनली हमें ये पता है भले वो प्रिंट ना हो, ठीक है। यस सर। हम लोग कुछ आवाज आवाज नहीं निकल रहा फंक्शन पढ़ने के बाद। यस सर। यस सर।